हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, जहाँ कहीं भी होंगे स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। इसी के साथ मैं अपनी सभी साथियों का भावना जोशी मन भावन चैनल में स्वागत करती हूँ। मैं काफ़ी समय से अपनी सभी साथियों को ब्लॉग नहीं दिखा पा रही हूँ, क्योंकि माताजी का स्वास्थ्य थोड़ा ढीला है, तो मैं थोड़ा उधर व्यस्त हूँ। तो जब कभी भी मुझे मौका लग रहा है तो मैं अपनी सभी साथियों को ब्लॉग दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। बड़ा ब्लॉक नहीं तो छोटे शॉर्ट में दिखा दे रही हूँ। तो आज मैं खेत पर घूमने आई हुई थी, तो मैंने कहा चलो मैं अपने सभी साथियों को अपने खेत का नज़ारा दिखा देती हूँ। तो आप मेरे साथ ब्लॉक में एंड तक बने रहिएगा, ठीक है दोस्तों? ये बदी है गाय, ये बदी है भैंस, ये देखो खेतों में बदी हुई है, कितना खूबसूरत नज़ारा है ये। ये रहा खेतों का नज़ारा, और वो सामने रहा हमारी मामी का मकान। एक बीच में नहर पड़ती है, उसके जस्ट पास हमारी मामी का मकान है। तो आज मैं यहाँ घूमने आई थी। ये है गोबर खाद के लिए गायों के इकट्ठा करते हैं, देखिए इससे नेचुरल खाद होती है पेड़ पौधों के लिए। तो ये गाय की उसके जिसका भी है ये गोबर है। मिल रही यार भाभी, आप लोगों के बदौलत हमें भी मिल जा रही है देखने को। सही बात है। अरे वाह, नींबू है ना भाभी? हाँ नींबू है, नींबू का पेड़ लगा, काजी नींबू है। वही भाभी ने काजी नींबू का पेड़ भी लगा रखा है। हाँ, ये सुंदर नज़ारा। हाँ, और भी ये कलम बनाई है, ये और लगा रखे हैं छोटे छोटे, ये वही है काजी नींबू के। हाँ अरे वाह, देखो बड़े बड़े से कितने अच्छे लग रहे ना भाभी। देखो मैं भाभी के साथ, अभी मैं और मेरी भाभी चलते हैं। अब अच्छा इधर से भी है रास्ता। सॉरी हूँ अभी। अरे वाह दादा, तो वहाँ सफाई करने में लगे हैं? हाँ सफाई कर रहे हैं। बिल्कुल दादा, सवाई किसी का प्लॉट होगा ना भाभी? जी उन्हीं को तो है। हाँ यार, हाँ अब कहाँ करेंगे फिर। कितना खूबसूरत पेड़ है यार ये। जो बेल पौड़ गई है उसके पूर्ण। अच्छा बेल लगी है? हाँ बेल है। दादा ने देख लिया मुझे ब्लॉग बनाते हुए। ये देखो खेतों में घूम रही हूँ, आईना कर रही हूँ। और कोई काम नहीं है, यही काम है। यही काम है मेरा ब्लॉग बनाना। ये आपने वो रखा है? जी हमने वो रखा है, सारी सब्जी वगैरह है ना ये। हाँ, जब पानी। ये देखो मेरी कर्मठ भाभी ने वो रखी है, खेती बना रखी है। ये देखो ये है नहीं पत्ती सी पिनगट जैसी, भाभी ने इतनी खेती में रखी है। ये देखो ये कैसी ना यार भाभी, थोड़ा सा। अरे ये देखो ये मेरे को लाइब्रेरी है, ये देखो ये है इतनी सी पतली डेढ़ हड्डी, और काम देखो ये भाभी के कैसा वृंदावन बना रखा है इन्होंने खेत को, बिल्कुल मेरी ईजा की तरह पतली दुबली। भाभी ये मेथी है ना? हाँ मेथी है। ये देखो अब मेरे भाभी लाई तोड़ने लग गई है। इधर अभी बो रखा है यार, पेड़ में दब जाएगा मेरे से। ये है नीम का सुंदर पेड़। भाभी बस हो गया यार, ज़्यादा मत तोड़ो। ये देखो भाभी ने मेरे को सब्जी तोड़ के दे दिया अपने खेत से। ये खेत में बो रखा है भाभी ने, बढ़िया। कर्मठ लोग जहाँ भी जाते हैं वहाँ वृंदावन बना देते हैं यार भाभी, है ना? अभी तुम बताओ, मैं यहाँ तुमसे सब्जी तोड़वा नहीं आई क्या? तो क्या हो रहा है, है? हो जाएगा ये सबके लिए हो जाता। तो आशा करती हूँ कि मेरे सभी दोस्तों को मेरा ये ब्लॉग पसंद आया होगा।
जैसा कि मैंने अपने दोस्तों को आज अपने खेतों का नज़ारा दिखाया, पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, साथ में नए होगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है दोस्तों, फिर मिलती हूँ आपसे नए ब्लॉग के साथ, कुछ नई चीज़ लेके, मनभावन चीज़ें लेके। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।